हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मसाला रोड्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं फेमस और इंटरेस्टिंग डिशेस की रेसिपीज, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रे आ रहे हैं और हम में से कई लोग उपवास रखते हैं और केवल फलाहारी खाना ही खाते हैं, तो हमने सोचा आज हम बनाएं बहुत ही आसानी से बनने वाली और उतनी ही टेस्टी व्रत वाली आलू टमाटर की सब्जी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बेहद आसान ये रेसिपी आप एक बार जरूर बनाकर देखिए। यकीन मानिए, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इस रेसिपी में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं व्रत वाले आलू टमाटर की सब्जी। एक कढ़ाई लें और उसे मध्यम आंच पर चढ़ाएं। कढ़ाई में डालें 2 छोटे चम्मच देसी घी और उसे गर्म होने दें। घी के गर्म होते ही उसमें डालें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और उसे चटकने दें। जीरे के चटकते ही कढ़ाई में 1/4 छोटा चम्मच हींग और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते तो आप वह स्किप कर सकते हैं। अदरक को अच्छे से पका लें। अब कढ़ाई में डालें 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 4 मीडियम साइज के कद्दूकस किए हुए टमाटर और 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। आप टमाटरों को ग्राइंड या फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर उनको कद्दूकस करके डालने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा मिलेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें और टमाटरों के पानी छोड़ने तक पकाएं। अब कढ़ाई को ढक दें और लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, या जब तक टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट सूख जाए। बीच बीच में कढ़ाई में करछी चलाते रहें और ध्यान रखें कि ग्रेवी कढ़ाई के तले में ना लगे। जब टमाटरों का पानी पूरा सूख जाए तो कढ़ाई में डालें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच दही। दही डालने से पहले उसे अच्छे से विस्क कर लें। दही एकदम ऑप्शनल है, पर उसे डालने से ग्रेवी को एक क्रीमी टेक्सचर और रिचनेस मिलती है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी से घी अलग ना हो जाए। ही अलग होने का मतलब है टमाटर, दही और सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब कढ़ाई में डालें 1 कप पानी, 3 उबले हुए आलू जिन्हें 1/2 इंच के टुकड़ों में काट लिया गया है, 1 उबला हुआ आलू जिसे हमने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। मैश किए हुए आलू से ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाएगा। आलूओं को ग्रेवी में मिक्स करें और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। लास्ट में ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म पानी डालकर मिला लें। कढ़ाई को ढककर करीब 5 मिनट और पकाएं। लीजिए, हमारी फलाहारी आलू टमाटर की सब्जी तैयार है।
इस सब्जी को समक के चावलों या फलाहारी पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप कोई इंटरेस्टिंग डिश जानते हो और उसे आसानी से घर पर बनाना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसकी रेसिपी जरूर दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।